हेलो दोस्तों, आज मेरे पास एक सैमसंग का टीवी आया। कस्टमर का कंप्लेन है कि इसमें ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आ रहा है। तो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर क्यों आ रहा है, ये देखिए। सैमसंग का मॉडल नंबर है इसका UA32HFH4003R। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये मैंने RC केबल लगाया है, KRC केबल, ये देख रहे होंगे। और ये देखिए, इसमें कलर, कोई भी कलर नहीं है, कलर है ही नहीं। रिमोट का बैटरी लगाइए, कोई भी कलर नहीं इसमें। ये देखो, मैं टीवी पे अगर HD लगा के देख रहा हूँ तो उसमें कलर आ रहा है, पर RC लगाने के बाद कोई भी कलर नहीं आ रहा। तो इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इसका प्रॉब्लम जो कॉमनली है, होता है सैमसंग में और सोनी में, ऐसा देखने को मिलता है अक्सर। ये होता है यहाँ से ARC सॉकेट से, इसमें कंपोनेंट और RC। ये देखिए दोस्तों, ये आधा पीला और आधा हरा है, हाफ पोर्शन इज येलो एंड हाफ पोर्शन इज ग्रीन। तो प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें कंपोनेंट भी इनपुट होता है और वीडियो सिग्नल भी इनपुट होता है। तो कंपोनेंट जब हम लोग यूज़ करते हैं तो एक दो तीन, ये तीन पिन को यूज़ किया जाता है। और जब वीडियो सिग्नल, ये भी सिग्नल इनपुट करते हैं तो यहाँ पर एक और यहाँ पर दो ऑडियो के लिए इनपुट ये होता है। तो समझना ज़रूरी है कि ऐसा। तो कभी कभी होता है कि अपना ये जो दोनों सॉकेट है, ये देखिए दोस्तों, मैंने ये सब कनेक्शन करने के बाद मैं अब इसे चालू करके देखूँ। लाइन दीजिए, ये देखिए इसमें लाइन आया, चालू हुआ। अब कंपोनेंट मोड से उसको हटाई, रिलीज करके एबी मोड में लाइए। अब आएगा एबी मोड में, देखिए दोस्तों, क्लियर पिक्चर। एबी मोड में, अब एबी मोड आ गया। ऐसे केस में क्या होता है कि एबी मोड आपका आएगा ही नहीं, एबी मोड वर्क ही नहीं करेगा। मतलब कि आप एबी मोड लाना चाहेंगे तो एबी मोड आएगा नहीं, जब आप एबी लगाएंगे कंपोनेंट मोड ही आएगा। अब देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से ठीक, एकदम परफेक्ट पिक्चर। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ये दोनों सॉकेट अंदर से इंटरनल ओपन हो जाता है, जिसके वजह से ये कंपोनेंट मोड में ही रह जाता है, ये कंपोनेंट मोड से हटता नहीं है। आपका वीडियो सिग्नल, एबी सिग्नल जो है वो इनपुट नहीं हो पाता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो इन दोनों पिन को पीछे तरफ से, बोर्ड के पीछे तरफ से, आप चाहे तो सॉकेट चेंज कर ले, हो जाएगा। अगर ये सॉकेट सही, सेम सेम सॉकेट मिल जा रहा है तो आपका ये काम हो जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको चाहिए कि ये और ये दोनों को नीचे तरफ से शॉर्ट कर दें। तो मैं शॉर्ट करके दिखाऊंगा अभी। अभी तो मैं आपको ये फिर से एक बार लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर। अब इसमें करना ये है कि मैं इन दोनों सॉकेट को पीछे तरफ शॉर्ट करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, मैंने इधर से एक छोड़ा, ये एक किसका है, पहला पिन वीडियो के लिए, और दूसरा ये ब्लू वाला, और ये दूसरा रेड वाला, ये कंपोनेंट का साइड होता है। तो ये दोनों पिन को मैंने एक ग्राउंड के साथ में शॉर्ट किया, तीनों। ये देखिए, एक दो तीन, तीनों पिनों मैंने ग्राउंड के साथ में शॉर्ट किया है। अब एक चला के हम लोग देखना होगा। ये दोनों ऑडियो मैंने छोड़ दिया, इधर का मैंने वीडियो इनपुट जो हो रहा है वो छोड़ दिया, और ये दोनों को मैंने, ये तीनों पिन से शॉर्ट कर दिया ग्राउंड के साथ में। तो अभी से हम लोग चला के देखेंगे कि अपना रिजल्ट क्या है।